इंक्रीमेंट एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन फ्रॉम 800 यूनिट टू 900 यूनिट। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिए, 800 से 900 यूनिट यानी कि एक्स्ट्रा 100 यूनिट का चाहिए हमको, तो एक्स्ट्रा 100 यूनिट के लिए हमको 800 से 900 यूनिट यानी कि यहां से यहां तक का जो इंक्रीज है वो चाहिए, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला इक्वेशन वाला, इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट फॉर 800 टू 900 यूनिट। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर v, ठीक है ना, ये हमारा y है जो हमें चाहिए है। तो x क्या है, x हमारा है नाइन्थ बैच। यहां पर ध्यान देना है, जब भी बैच वाइज प्रोडक्शन होगा तो हम बैच की नंबर्स लेंगे, यूनिट्स 900 नहीं लेंगे, नाइन्थ बैच लेंगे, क्योंकि पूरी 100 यूनिट उसमें तैयार हो रही है। ए कितना है, ये 10,000 है पूरे फर्स्ट बैच की कॉस्ट, ठीक है, और बी कितना है, बी हम निकालेंगे, बी कितना होगा, लॉग 90% अपॉन लॉग टू। थोड़ा इसमें मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, जैसे हमने लॉग 80% का किया था, लॉग 9 माइनस लॉग 10 अपॉन लॉग 2, 80% में हमारा लॉग 8 माइनस लॉग 10 अपॉन लॉग 2 आया था। अब हमें एंटी लॉग, लॉग में हमें 90 की वैल्यू देख, 9 की वैल्यू देखनी है, तो हम 90 की 0 के नीचे वैल्यू देखेंगे, ये हमारी आ रही 9542, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 0.9542 माइनस और लॉग 2 की वैल्यू है 3010। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये बनेगी 0.1522, ठीक है, क्या वैल्यू बनेगी, 1522। चलिए अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं, तो ये वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 10,000 इंटू 9 की पावर 0.1522। फिर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू 10,000 माइनस 0.1522 लॉग 9, लॉग 10,000 माइनस 0.1522 और लॉग की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 9542, तो ये लॉग वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.8548 कर दिया मैंने राउंड में, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग,
अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.8548, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू एंटी लॉग टेबल में 0.85 में, एक तो हम 4 के नीचे देखेंगे थर्ड डिजिट, और फोर्थ डिजिट कहां देखेंगे 8 के नीचे। एंटी लॉग टेबल आप देखेंगे एट फाइव में देखेंगे, एक तो फोर के नीचे देखेंगे, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये आया हमारा सेवन वन फोर फाइव, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ रही है 7145। और इसके नीचे 8 के नीचे आ रही है वैल्यू 13, तो टोटल वैल्यू हो गई 7158। और वहां पर 3 था तो यहां डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद, ठीक है। अब ये निकला है 9th बैच के लिए, यह है मेरा 7158। और 9 बैच में आपको पता है कितनी यूनिट तैयार हो रही है, 100, तो पर यूनिट कितना आएगा 7158/100, ठीक है। इस वैल्यू को आपने वहां अपनी टेबल में पुटअप कर देना है, यहां ये 71.58 आप पुटअप कर दीजिए, तो जैसे ही आप 7158 करेंगे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 64422। कितनी आएगी 64422, और इंक्रीमेंटल वैल्यू कितनी आएगी 6102, ठीक है। सो इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट फ्रॉम 800 to 900 यूनिट आई 6102, और एवरेज कितनी आई 61.08। चलिए ये स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इसमें अब स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन रह गया है, वो मैं थोड़ी देर में आपको करा देता हूं।